उदाहरण 9, चार क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि प्रथम तीन संख्याओं का योग चौथी संख्या से 8 अधिक है। उदाहरण 9 का हम हल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में यह कहा गया है कि चार क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं, इनमें प्रथम तीन का योग जो दिया है वो चौथी संख्या से 8 अधिक है। तो ध्यान देने से हमें समझ में आता है कि चार क्रमागत समपूर्णांक संख्या, मतलब पहले हम समपूर्णांक संख्या क्या होती है देख लें। तो क्योंकि समपूर्णांक है तो हम क्या लिखेंगे उसे, 2x, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई पूर्णांक जिसमें यदि 2 का गुणा हो तो हम उसे समपूर्णांक कह सकते हैं। इसके बाद बात कही गई है चार क्रमागत समपूर्णांकों की। तो यदि पहला समपूर्णांक हम 2x ले रहे हों तो दूसरा कैसा होगा, बिल्कुल इसको 2 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। तो दूसरा जो हमारा संपूर्णांक होगा वो 2x + 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो होगा वो पुनः 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी कि 2x में 2 बार 2 जोड़ने पर तो मिलेगा 2x + 4। इस प्रकार हमें अभी कितनी प्राप्त हो गई संपूर्णांक संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथा भी हमें ढूंढना है, तो वो हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से 2 अधिक करने पर 2x + 6। तो इस प्रकार ये जो हमें प्राप्त हो रही हैं ये हैं चार क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं। अब हम देखते हैं कि इन जो संख्याएं जो हमारे पास है इनके बीच क्या संबंध दिया हुआ है। यह कह रहा है कि प्रथम तीन का योग, यानी कि ये जो तीन हमारे पास संपूर्णांक संख्याएं हैं इनका योग जो है ये चौथी संख्या से 8 अधिक है। अब इस कथन को यदि हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा, देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हुई तीसरी संख्या, इनका योग हमारी चौथी संख्या जो कि है 2x + 6 इससे 8 अधिक है, यानी इसमें हमें कितना जोड़ना होगा, 8। इस प्रकार यह गणितीय समीकरण के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब इसे हल करना है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। यदि हमारे पास x प्राप्त हो गया तो हम चारों संख्याएं निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले कोष्ठकों को हम खोल लें। 4 = 2x + 6 + 8। अब करना क्या होगा, जैसे कि हमने समीकरण हल करना सीखा, समान पदों को हम जोड़ लेंगे। तो समान पदों को जोड़ेंगे, देखिए समान पद हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इस पक्ष में हमने देखा कि हमें 6x और अब ये दो पद, यानी कि 6। उसके बाद इस पक्ष में देखें तो 2x और ये दोनों पद जोड़े जा सकते हैं, यानी कि हमें मिलेगा 6 और 8 जो 14। चलिए इसे आगे हल करते हैं। चलिए हल को हम आगे देखते हैं और हमें जो पद प्राप्त हुआ था वह था 6x + 6 = 2x + 14। इसे हल कर लेते हैं। इसके लिए हम दोनों पक्ष में देखिए x के पद हैं, उन्हें पक्षांतर करके हम एक तरफ ले आते हैं। तो 6x क्योंकि ये धन में है तो इस तरफ आएगा -2x। उसी प्रकार जब 6 का पक्षांतर होगा तो क्योंकि वो धनात्मक है इधर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -6। चलिए आगे हल करें। 6x में से 2x हम घटाएंगे तो मिलेगा 4x और 14 में से 6 घटाने पर हमें मिल जाएगा 8। अब अंतिम पद करना क्या होगा, समानता के नियम के चौथे नियम से हम यहाँ पर इसमें दोनों पक्षों में 4 का भाग दें तो हमें मिलेगा 4x/4 = 8/4। यानी कि इसको हल करने पर 4 × 4 = 4, इस तरफ 4 × 4 और 4 × 2 = 8, हमें मिला x = 2। तो अब समीकरण को हल करके हमें x = 2 प्राप्त हुआ है। इसकी सहायता से हम जो हमारी चारों समपूर्णांक संख्याएं थी उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हल करेंगे। हमें प्राप्त हुआ था x = 2,
जिसकी सहायता से हम चारों सम पूर्णांक संख्याएं जो है वो निकाल सकते हैं। पहली हमने मानी थी सम पूर्णांक संख्या 2x, तो संख्या क्या मिलेगी, 2 गुणित 2 यानी कि 4। अगली 2x धन 2 यानी कि 2 गुणित 2 धन 2 बराबर हमें मिलेगा 6। और इसी प्रकार 2 हम आगे बढ़ाते जाएं तो हमें चारों जो संख्याएं हैं वो मिल जाएंगी। चलिए सभी को हल कर लें, 2 गुणित 2 धन 4 बराबर आपको मिलेगा यहाँ 8, और अगली जो होगी वो हो जाएगी 10। तो इस प्रकार आपको जो संख्याएं मिली हैं, जो चारों सम पूर्णांक संख्याएं मिली हैं, संख्याएं होंगी 4, 6, 8 और 10। इस प्रकार यह प्रश्न जो है वो हल हुआ।